वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2016 का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 25 जनवरी 2017 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ कॉसेक 135 इज इक्वल टू एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। हम कॉसेक 135 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 प्लस 45 या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं sec 45। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा एंगल है वो 90 के साथ, और 90 के साथ क्या होता है, उसका रेशियो चेंज होता है। जब भी एंगल 90 to 70 या किसी भी और टर्म के साथ हो तभी चेंज होता है, जो रेशियो होगा तभी चेंज होगा। और हमें मालूम है कि कॉसेक 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 2 प्लस का आंसर जो आएगा वो होगा प्लस अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इनइक्वलिटी से है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अपने पास दो साइड में इनइक्वलिटीज़ हैं, एक तो फर्स्ट साइड ये है और एक सेकंड साइड ये दूसरी वाली। तो एक बार हम सॉल्व करते हैं इसको, देख लेते हैं क्या आता है। 4x प्लस 4 माइनस 3 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से x के टर्म को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस एक्स इज लेस देन, यहाँ से बचेगा 1, 2। तो 5x इज लेस देन 2, देन x इज लेस देन 2/5। यानी जो x है वो 0.4 से छोटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 3 कट गया। अब एक दूसरी साइड का इक्वलिटी देख लेते हैं, वो अपने को दे रखा है 3 माइनस एक्स इज लेस देन 2x प्लस 5। तो x के टर्म की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इज लेस देन 3x। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गए, माइनस दो बटे तीन। यानी कि जो हमारा x है वो माइनस दो बटे तीन से बड़ा है, यानी कि माइनस एक से बड़ा है। तो आंसर आ गया 0, क्योंकि माइनस एक तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे बड़ा है वो, तो 0 आंसर आ गया। माइनस दो तो छोटा हो जाता है उससे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कोन इज हॉलोड आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम। एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। एक शंकु को 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन से खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन की भुजा के बराबर है, तो बचे हुए घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। हमें करना क्या होगा, पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास एक क्यूब है, हमने इस क्यूब के अंदर से एक कोन काट लिया, कोन काट लिया जिसकी हाइट जो है ना साइड के बराबर है, और डायमीटर भी इसके साइड के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इस क्यूब से इसको काट लेंगे तो ये कुछ खोखला पार्ट बचेगा क्यूब का, तो क्यूब के वॉल्यूम से हमें कोन का वॉल्यूम घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें मालूम ही है कि जो भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, क्यूब का साइड दे रखा है 7, तो क्यूब हमारा क्यूब का जो वॉल्यूम है, आयतन है, क्या होता है? भुजा का घन, भुजा का क्यूब, भुजा 7 दे रखी है, तो 7 × 7 × 7, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 343 इसका वॉल्यूम है। अब हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है और इससे घटाना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। मैं पाई से ही 3 काट दूँ, क्योंकि मैं पाई का मान अभी 3.14 की जगह 3 मान रहा हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब हमारे पास बचा r² और h। ठीक है,
आर स्क्वायर हमें रेडियस मालूम है क्योंकि रेडियस दे रखा है जो भुजा है, भुजा के बराबर ही उस कोण का डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा मतलब जो व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो व्यास हो गया 7, तो त्रिज्या हो गया 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2, और हाइट भी इसकी 7 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 343/4। अगर हम जल्दी से 343 को 4 से एक बार हम भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 343 को 4 से भाग कर दो, 4 8 चौक 32, 23, 6 चौक 24, 86। अगर हम 343 से 86 माइनस कर दे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 486, तो 363 से, सॉरी 263 से छोटा आंसर हो जाएगा, मैंने 80 ही घटाया है, ठीक है। 263 से छोटा आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये की है जो 266 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि 228 तो हो नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा ही छोटा आंसर आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 72, द फर्स्ट नंबर इज 2/7 टाइम्स द सम ऑफ अदर टू। ओके, तीन नंबर जिनका औसत 72 है, जो पहली संख्या है वो बची हुई दो संख्या का 2/7 है, तो अगर हमने बची हुई दो संख्या को एक्स मान लिया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2/7 x, और इन दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 72 गुणा 3, क्योंकि तीनों का औसत है, तो मैंने औसत को 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 x बराबर 72 गुणा 3 × 7, ठीक है। तो एक्स का मान 8, एक्स का मान आ जाएगा 21 गुणा 8, मगर अपने को निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर निकालना है, इसका भी 2/7 कर दो, 2/7, तो 7 × 48 आ गया, क्योंकि अपने को पहली संख्या निकालनी जो बची हुई का 2/7 थी, तो मैंने एक्स का मान निकाल लिया, उसका 2/7 कर दिया, आंसर आ गया 48। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंडर रूट 1 + cot² 1 + cot² क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, अंडर रूट का, तो इससे ये शहीद हो गया, अंडर रूट से स्क्वायर शहीद हो गया, तो हो जाए कॉसेक, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक होमवर्क देता हूँ मैं आप लोगों को, हमें क्या करना होगा इस वाले क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में ए की कोई भी एक वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। एंगल को ले लो, तो आप लोग एक ट्रक काम करेंगे, इसमें हम एंगल लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री रखने के बाद इससे जो वैल्यू आएगी उससे ऑप्शंस को हम चेक करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपको दिख ही रहा है आंसर आएगा sec4a - sec2a, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ए का मान रखना है इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से सपोज इस वैल्यू को रखने पे यहाँ से आ गया 6, तो जो भी आंसर होगा ना उससे भी 6 ही आएगा, वैसे भी 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इससे जो वैल्यू आएगी ना ऑप्शंस में भी वही ए का मान रखने पे वही वैल्यू आएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या आप से कोई अगर बंदा पहली बार देख रहा हो ये वीडियो जिससे नहीं बना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ग्रुप में पिंग करके बता सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं, मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा इस क्वेश्चन को भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इस पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द पॉइंट आर ए बी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू आर वन एंड आर वन इज रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस टू -3 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आपको कुछ 5-6 पेपर पहले ही बताया था। हमें क्या करना होता है, जब भी ओरिजिन में रिफ्लेक्शन की बात हो रही होती है उसके बाद जितने भी और रिफ्लेक्शन उन सबको भूल जाओ, जो भी और रिफ्लेक्शन दे रखे हैं ना उन सबको भूल जाओ, बस हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन होकर कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं। अपने को कोऑर्डिनेट जो भी दे रखा होगा ना एक्स एक्सिस,
तो जो एक्सिस दे रखी होगी उसी के साथ उसने माइनस का साइन दे रखा होगा। अब देखो यहाँ पे उसने एक्स एक्सिस पूछा हुआ है और उसने एक्स के साथ ही माइनस दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे वाई एक्सिस देता ना तो वो क्या करता, थ्री और माइनस फोर करता। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। ऐसे केसेस में आंसर क्या होता है, अपने को पूरे का पूरा पॉजिटिव कर देना होता है। अगर ये दोनों ही दे रखे होते ना, अगर सेम ही क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर हो जाता थ्री और फोर। इन दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, थ्री और फोर हमें क्या करना है, हमें बस जितने भी बीच के रिफ्लेक्शंस हैं उसको छोड़ देना है। बस ध्यान ये रखना है कि इससे पहले कोई एक्सिस नहीं दी हुई होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर किसी क्वेश्चन में पहले यहाँ बोलता कि वाई में था, पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आर में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि दो अलग अलग ओरिजिन, दो अलग अलग एक्सिस में और रिफ्लेक्शन होता है, पहले एक्स में था, पहले वाई में था, फिर एक्स में था, तो उस केस में कुछ और आंसर आएगा। मगर अभी क्या है, खाली एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है, एक ही एक्सिस की बात हो रही है। इस केस में क्या हो जाएगा, बस जो भी अपने को दे रखा है उसको पॉजिटिव कर दो बस, और कुछ नहीं करना होगा अपने को। ठीक है, तो अभी के लिए आंसर कितना आ जाएगा, थ्री और फोर। वैसे मैंने जो भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया वाई और एक्स वाला, जब दो एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, या कभी किसी पेपर में आ जाएगा तो मैं हम डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में हमें इसको एक्सपेंड और सिंपलीफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमें खोलना है इसको। ठीक है, मगर अपने को देख देख के पता चलेगा कि जो प्लस की संख्या है बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है, तो जो माइनस की वैल्यू होगी ना वो इस वाले पार्ट से प्लस होने के बाद प्लस का ही बच जाएगी, यानी कि सब के सब प्लस आएंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज प्लस की होंगी। तो देखो इसमें एक माइनस है तो ये खत्म हो गया, इसमें ये पहला ही माइनस का तो ये भी खत्म हो गया, इसमें दोनों माइनस का तो ये भी खत्म हो गया। आंसर अपने आप ही आएगा, ऑप्शन नंबर फोर। कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको खोलेंगे ना तो काट पीट के आपको आंसर फोर्थ ही बचेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखा तो अपने को दिख रहा होगा कि जो नंबर ऊपर है वो दूसरे नीचे वाले नंबर से आधे से भी ज़्यादा है। ठीक है, आधे से भी ज़्यादा है, तो जो ऑप्शन नंबर थ्री और फोर है वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो नीचे 13 है ऊपर 23 है, ऊपर कम से कम 26 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे 23 है और ऊपर फिर 46 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर इन दोनों में से एक होंगे, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो नीचे 13 दे रखा है, 13 देने का मतलब क्या है कि जो संख्या नीचे वाली है ना वो 13 से भाग होनी चाहिए। अगर ये 13 से भाग हो जाएगी तो ये आंसर होगी, वरना 19 वाला आंसर टिक कर देंगे। एक बार देख लेते हैं, ये 13 से भाग होती है क्या, 1495 13 से भाग है क्या, 13 एकम 13 13 एकम 13 65 13 पंजे, बिल्कुल फ्रेंड्स ये 13 से भाग हो रही है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर ये 13 से भाग नहीं होती तो आंसर हम ये वाला टिक कर देते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 42 इट बिकेम्स 121% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। अगर किसी नंबर को 42 से बढ़ा दिया जाता है तो वो खुद की 121% हो जाती है, यानी कि जो 42 है वो उस नंबर का 21% है, क्योंकि पहले तो वो खुद 100% थी, 42 बढ़ने पे वो 121 बन गई, यानी कि 21% बढ़ गई, तो 42 का मान 21% है, तो 100% का मान कितना होगा, 200, डबल ही तो है बस, तो आंसर आ जाएगा 200। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिजवान वॉक्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, रुचिता साइकिल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक यहाँ से चल रहा है और एक यहाँ से चल रहा है। वॉट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम वेन दे स्टार्टेड इफ दे मीट एट 42 मिनट्स, जब वो चले थे उनके बीच की दूरी कितनी थी अगर वो 42 मिनट के बाद मिले। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर ये दोनों फ्रेंड्स एक घंटे के बाद मिलते हैं, अभी तो 42 मिनट बोला है, मगर अगर एक घंटे के बाद मिलते तो क्या होता, एक घंटे तक रिजवान चल चुका होता, एक घंटे तक ये चल चुकी होती लड़की, तो कितना हो गया, 35 किलोमीटर चल चुके होते, 20 और 15 35 होते हैं, क्योंकि दोनों ने एक एक घंटा चला, तो एक घंटे में 15 ये चल जाएगा और 20 ये चल जाएगी, तो टोटल 35 हो गया, मगर एक घंटा तो चले नहीं। अगर ये एक घंटा चलते होते, 60 मिनट अगर ये चलते तो 35 किलोमीटर चलते, तो एक मिनट में कितना कितना हो जाएगा, 35/60, मगर टाइम है कितना, 42,
तो इसको 42 से कर दो 42, तो 6 धाम 60, 7 6 70 76 42, तो 3.5 7 5 21। ओके, अब 3.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 5 35, आखिर में 5 आना चाहिए, इकाई का अंक 5 होगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याएं 7 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, जो पहले दो संख्याओं का अनुपात होता है ना वही दूसरी तीसरी का भी होगा। अब इसमें अनुपात क्या है, 1:3, तो ये भी 1:3 बनना चाहिए। तो 21 अगर 1 है तो 3 क्या होगा 63, 21 × 3 = 63 होता है आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन आइटम बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड द कस्टमर विंस 5% कैशबैक, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 30% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि आपने 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये में खरीद ली, इसके बावजूद भी हमारी लालच कम नहीं हुई, हमने प्रोमो कोड भी लगा दिया और प्रोमो कोड लगाने के बाद हमें 5% पैसा और मिल गया, यानी कि 70 पे 5% पैसा और मिल गया। 70 का 10% कितना होता है 7, तो आधा कितना होगा -3.5। कहने का मतलब पहले तो अपने को 3 मिल ही रहा था, अब इस पे 3.5 और मिल जाएगा, 3.5 तो कितना हो जाएगा 33.5 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने 3.5 रुपये कम किया ना, 7 होता है 10% और 3.5 होता है 5%, तो 3.5 रुपये और कम हो जाएंगे 100 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 33.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्षों में 8% वार्षिक दर से एक राशि पर 7056 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, राशि कितनी होगी। 8% मिल रहा है 7 साल तक, यानी कितना परसेंटेज मिला होगा 7 × 8 = 56। ठीक है, और 56% का मान कितना दे रखा है हमें 7056, तो अपने को 100% का मान निकालना है। ठीक है फ्रेंड, इस 56 को 55 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, अब देखो 100% और 55% आपस में कट पिट सकते हैं, ये 20 से जा सकता है और ये 11 से जा सकता है। तो 11 का मान अपने को 7056 दे रखा है, अपने को 20 का मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे 7000 ही मान लेते हैं, 7000, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। 11 का मान 7000 है, 20 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 7000 × 20/11। ठीक है, तो अगर हम 11 से भाग करें तो ये कितनी बार चलेगा, 11 × 66, 11 × 3 = 63, 12000 के आसपास हो जाएगा। देखो 63 × 20 करना है, तो 63 × 2 कितना होता है 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12600। क्या बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का, अगर आप अप्रोक्सीमेशन को प्रॉपरली पेपर के दिन यूज़ कर पाए तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होगा, स्पेशली मैथ्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिस्त्री एक दीवार को 18 घंटे में बनाता है, 9 घंटे बाद वो विराम लेता है, दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है। 18 घंटे का काम करना था, उसने 9 घंटे ही काम किया, यानी कितना काम किया, आधा ही काम किया है, तो अगर आधा काम किया होगा तो आधा ही काम बचा होगा, यानी 0.5 बाकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर ये। अब यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लग गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें जो मीडियन होगी ना, इसकी जो मीडियंस होंगी, मीडियन पर ही सेंट्रोइड होगा। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियन की इक्वेशन को भी फॉलो करेगा,
क्योंकि मीडियन पर ही सेंट्रोइड है, यानी कि और उस मीडियन के हर पॉइंट पे जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें इन गिवन पॉइंट्स से तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना। अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लिया, तो आंसर इजीली हो जाएगा, क्योंकि फिर हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, वो होता है x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3। अपने को दो शब्द दे रखे हैं, एक्स और वाई शब्द दे रखे हैं, हमें को इसमें से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितना हो जाएगा पहले एक बार एक्स को देख लेते हैं। -1 + 5 + 3 यानी कि कितना हो गया, 7/3। तो ये आ गया एक्स के लिए, और वाई के लिए कितना है, वाई के लिए हो गया -3 + -7 -7 और हमें से 2 गए -5/3, -5/3। तो हमारे पास एक्स और वाई आ गया। हमें करना क्या है, बस हमें इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 है ना, उसमें बीच में प्लस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जो हमारा एक्चुअल में आंसर होगा ना, वो माइनस में आ जाएगा। यानी कि ये जो प्लस =13 दे रखा है ना, ये माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस दे रखा है। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये माइनस का होता तब टेंशन होती। अब अपने को इन दोनों में से आंसर सेलेक्ट करना है। हमें करना क्या है, हमने एक्स और वाई को कैलकुलेट कर ही लिया है, बस अपने को वो पुट करना है। अपने को एक्स की वैल्यू मालूम है, वाई की वैल्यू मालूम है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, 2 × 7/3 −−+, क्योंकि ये माइनस का ही है, −25/3, क्योंकि 5 है, 5 × 25, तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 = 25 39/3, और 39/3 कितना होता है, 13। और देखो यहाँ से 13 आया और यहाँ पे भी 13 दे रखा है, यानी कि ये आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर बाय सेलिंग 8 iPhones अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 iPhones। क्या बात है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, यानी कि 8 सेलिंग प्राइस - 8 कॉस्ट प्राइस = 3 सेलिंग प्राइस। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसने 8 फोन को खरीदा कब होगा, बेचा कब होगा, जब खरीदा होगा, है ना। तो हमने क्या किया, 8 सेलिंग प्राइस मतलब 8 को बेचने पर जितने में उसने खरीदा था, उसने 8 CP पर ही खरीदा होगा, माइनस करने पर जो उसके पास पैसा बचता है वो 3 SP के बराबर था। आप SP को एक तरफ ले लो, CP को एक तरफ ले लो, तो कितना हो जाएगा, 5 SP = 8 CP। कहने का मतलब CP = 5 और SP = 8, यानी कि 5 रुपये के ऊपर 3 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर ये मैंने निकाला कैसे, ये मैंने इसका वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। मैं आपको बता देता हूँ, SP/CP = 8/5, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, तो 8/5 बचे। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि SP का मान 8 है और CP का मान 5 है, यानी कि और इनका अंतर कितना, 3 रुपये का, कितने 5 में 3/5 होता है, 60% आंसर आ गया 60। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ a + b = 10, ab = 24, a³ + b³ क्या होगा। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिनका योग 10 हो और गुणनफल 24 हो, प्रोडक्ट 24 हो और सम 10 हो। तो 6 और 4 होते हैं, 6 × 24 6 × 4 = 10। तो a का मान हो गया 6 और b का मान हो गया 4। तो 6 × 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 4 का क्यूब होता है 64, तो 280 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाय 40, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। एक एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 40 ज्यादा है, तो उसका माप ज्ञात करें। ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दो एंगल्स का योग 90 होता है, यानी x + y = 90 होता है। अपने को दिया क्या रखा है, कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 40 ज़्यादा है, यानी कि x + 40 है, अपने को इसका मान निकालना है।
एक्स प्लस 40 प्लस एक्स का मान कितना है 90, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 25। अपने को निकालना है x प्लस 40, तो 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 65 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ए रोम्बस, एक रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो ये ऑप्शन शहीद हो गया आंसर, क्योंकि विपरीत कोण समान होते हैं। डायगोनल्स फॉर्म कॉन्ग्रूट ट्रायंगल्स, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारा डायगोनल होता है ना वो दो समान त्रिभुजों में बांट देता है, ये इन दोनों, ये दोनों सिमिलर होंगे, और अगर ये ऐसे होता उस केस में भी ये दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते, तो यही आंसर आंसर हो जाएगा इसका। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो एक करेक्ट आ ही गया, तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द सम ऑफ थ्राइस ए नंबर एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल इज 97/4। द सम ऑफ थ्राइस ए नंबर, यानी कि कोई एक किसी संख्या का तिगुना प्लस उसके वक्र व्युत्क्रमानुपात का तिगुना 97/4 है, तो वो संख्या क्या होगी? कहने का मतलब 3x प्लस 2/x बराबर 97/4। देखें, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, इसके नीचे 4 है, यानी कि जो ये x होगा ना, जो नंबर होगा वो ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे इवन बन रहा है, तो आंसर जो होगा वो 9 भी नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता, आंसर ये दोनों हो सकते हैं 10 और 8। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 10 होता तो नीचे आंसर डेसिमल में आ रहा होता, डेसिमल भी नहीं आ रहा, तो वैसे तो आंसर 10 भी नहीं हो सकता, आंसर अपने आप ही 8 आ गया, मगर एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 8 को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 8 ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये हो गया 24 प्लस, क्योंकि हमने x का मान अभी 8 लिया है, तो 24 हो गया, 8 + 24 प्लस 2/8, तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो 24 प्लस 1/4 कितना होता है, 96 प्लस 1/4 विच विल गिव अस द वैल्यू 97/4, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेवरेट क्वेश्चन आ गया CHSL का, बोनस निकालने वाला। इस क्वेश्चन में हमें बोनस निकालना है, एवरेज बोनस। लोग कितने हैं, 12, 2, 14, 1, 15 लोग हैं, मैनेजर हैं 2 और उनकी सैलरी है 30 लाख रुपए, और उनकी सैलरी पे 40% बोनस मिला है। 30 लाख का 40% कितना होता है, 12 लाख रुपए, और 12 लाख दो लोग के पास जाएंगे, यानी कि 24 लाख रुपए हो जाएंगे, हर एक के 12 लाख बढ़े हैं, तो दोनों के 24 लाख बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव की सैलरी थी 8 लाख, और इसका जो सैलरी बढ़ा है वो बढ़ा है 20%, तो 8 लाख का 20% होता है 1.6 लाख, और एग्जीक्यूटिव है कितने, 12, तो ये कितने हो जाएंगे, 12 × 16, 6 × 12 = 8, 6 × 6 = 7, और 12 × 2 = 7, 9, 1 लाख, 8 लाख, 1.6, 19 लाख, 20,000 हो गए, 19.2, इसको 20 मान लेते हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इसको 20 मान लेते हैं, कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, 20, ठीक है। ओके, ट्रेनी है आखिरी में, उसकी बेचारे की सैलरी ऑलरेडी बहुत कम है, 4 लाख है, और बढ़ी भी 10% बढ़ी है, यानी कि 40,000 बढ़ जाएगी, तो उतना तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन मान ही लिया, मैंने 20 को बढ़ा के लिखा था ना, यहाँ 20 थोड़ी था, बढ़ा के लिखा है मैंने, तो कोई फर्क खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने उसके पैसे को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हो कितना गया, 44। अब अपने को 44 को 15 से भाग देना है, ठीक है, 15 × 3 = 45, यानी कि अगर 3 लाख होते तो सब तो 45 होने चाहिए, तो मतलब जो भी आंसर होगा ना 3 लाख से कम होना चाहिए, तो 3 लाख से कम कौन सा ऑप्शन है, ये तो
करोड़ों में दे रखा है, ये 2,80,000 दे रखा है, 3 लाख थोड़े से कम, ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, 2,80,000 तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें तीनों कंपनी का दो ऐसे साल ढूंढने हैं जिसमें तीनों कंपनी का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो सेम होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। 2011 में ऐड कर लेते, 5 6 7 7,000 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 3 2 5 6 आ गया, इसमें 9 आ गया और इसमें भी 9 आ गया, 14 15 में देखो सेम है, 9 9 दोनों में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 14 15, 14 15 आंसर है हमारा, 14 15 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें बताना है कि 5 साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहाँ जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि लॉस हुआ है और जहाँ प्लस लिखा हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और ये करोड़ों में है। ठीक है, तो अपने को सबको ऐड करना पड़ेगा, तो बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले हम खाली प्लस वाले ले रहे हैं, इसके बाद माइनस वाले देख लेंगे, ये हो गया 20 25 45 और 10 55 55, और ये माइनस के कितने, -45, तो 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वेलरी वॉज वॉट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, ये हमारे पास कुछ आइटम्स का एक्सपोर्ट का डेटा गिवन है। ठीक है, अपने को बताना है कि ज्वेलरी जो है वो टोटल एक्सपोर्ट का कितना पार्ट है, तो ज्वेलरी है कितनी, 625, अपने को इसको टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना गया, 10 हासिल 1 2 1 3 5 3 8 8 और 5 13 13 और 2 15 और 5 20 हासिल 2 6 2 8 8 5 13 13 8 21 21 और 8 29 29 और 5 34 3400, इन दो जीरो से ये दो जीरो चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 34 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 680। ठीक है, यानी कि जो हमारा होगा आंसर वो 19 से भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अगर ये 19 बार भी जाएगा तो भी हमें एक ऐसी डिजिट मिलेगी जो 625 से बड़ी होगी, तो आंसर 19 से थोड़ा सा छोटा होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, ये इस क्वेश्चन का, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का जो ये पेपर था हमारे टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम के पेज से मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।